लोकतंत्र का महापर्व है आम चुनाव, और इस आम चुनाव में, इस महापर्व में सभी जातियों, सभी वर्गों के लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें शामिल होती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के सोबतियाबाग इलाके में, और हम जानना चाहते हैं यहाँ के जो थर्ड जेंडर से जुड़े लोग हैं कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार वो भी चुनने जा रहे हैं और क्या सोचते हैं वो मुद्दों के बारे में, उनके मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं आपके? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे किन्नर समाज सबसे पिछड़ा समाज है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद 70 साल बाद किन्नरों को एक मौलिक अधिकार मिला, तो समाज में देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा समाज है किन्नर समाज। और जब तक किन्नर समाज के लोग राजनीति में भागीदारी नहीं करेंगे, जब तक राजनीति में उठ के नहीं आएंगे, जब तक कोई भी पावर, इसको बोलती हूँ कि जब तक हमारे हाथ में कोई भी पावर नहीं रहेगी तो हम किसी के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पावर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को इसका ज़रूरत है और सब इसके लिए कर सकते हैं। तो सत्ता में भागीदारी की बात जी, तो मैं चाहती हूँ कि किन्नर समाज से भी, हमारे ट्रांसजेंडर समाज से भी कोई भी वो अपना भागीदारी निभाए और सदन तक अपना आवाज़ उठा पाए, क्योंकि जब तक हम लोग सदन तक अपना आवाज़ नहीं उठा पाते, जैसे हम लोग सड़कें पे ताली बजाते हैं, घरों में जाके ताली बजा, वो ताली हम लोग सदन में सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो सदन के ताली उसका पूरा देश, पूरा विदेश सब कोई सुनेगा वो ताली का। तो वो सड़क से लेके मैं चाहती हूँ कि जो सड़क में बजने वाली ताली वो सदन में बजना चाहिए, और किन्नरों के हित में और किन्नरों के विकास के लिए, और हमारे सरकार भी, मौजूदा सरकार भी बहुत सारा अच्छा स्कीम लेके आए, अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं हमारे सरकार, माननीय हमारे SSP प्रधानमंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद कहती हूँ कि आप लोग ने इतना अच्छा स्कीम लेके आए, तो आज कहीं ना कहीं किन्नर समाज के उत्थान हो रही है। और मगर फिर भी जितना होना चाहिए किन्नर समाज का विकास, वो नहीं हो पा रही है। जब तक राजनीति में हम लोग भागीदारी नहीं करेंगे तब तक वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगी। और किन्नर समाज ने एक चीज़, तो ये चीज़ मतलब प्रूव कर दिया है कि जैसे वो निर्दलीय भी खड़े हो के, चाहे मेयर के हो, चाहे विधायक के हो, चाहे हर ओडा सदस्य, ऐसे तरीके से वो निर्दलीय खड़े हो के भी उन्होंने प्रूव कर दिया हमारे समाज ने कि हम लोग को जनता चुन रहा है और जनता पसंद कर रहा है और जनता के लिए ही हम लोग काम करते हैं। जी, जनता पसंद करती है, लेकिन जो पार्टियाँ हैं वो आप लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देती हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सब जो भी सारे सरकार जो खड़ा होते हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या BJP हो, कोई भी सरकार अभी घोषणा पत्र में हमारा ये नहीं करते हैं, जिक्र नहीं है घोषणा पत्र में हमारा जिक्र नहीं है। हमारे जो मौजूदा सरकार है उसने हमें काफ़ी कुछ दिया है, हमें पहचान दिया है, हमें जिला के तौर पे भी आइडेंटिटी दिया है मौजूदा सरकार ने, हमें अभी रहने का घर भी मौजूदा सरकार ये कर रही है कि हम लोग को भी घर मिलेगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कोई तो घोषणा पत्र में भी अपना नाम नहीं करते। हमें तो मौजूदा सरकार काफ़ी हमें सुविधा दी है, जो भी मोदी जी सरकार है, मौजूदा सरकार हमें काफ़ी कुछ दिया है। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी सरकार है हमारे बारे में सुने, क्योंकि हम भी आपके समाज के अंग हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं। भले हमें माँ बाप से अलग है तो क्या हुआ, हमें तो गुरु से अलग नहीं है ना, हमारे तो माँ बाप हैं, तो हम भी तो आपके अंग हैं ना। हमें क्यों कट जाते हैं, आप स्कूलों के लिए निकालेंगे, छात्रों के लिए निकालेंगे, गरीबों के लिए निकालेंगे, तो हम भी तो अंग हैं, हम कहाँ चले जाते हैं। हमें तो ये जानना है कि घोषणा पत्र में किन्नरों का नाम नहीं, कहीं पे भी नहीं होता। टिकट देने में कहीं नाम नहीं, टिकट देने में तो कहीं से कहीं तक नाम नहीं। अगर जाओ भी किसी के पास तो सीधा बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर नहीं है, मतलब इसमें आप लोग एकदम, आपको कोई जानता नहीं है, आप लोग कम संख्या है, आप लोग अल्पसंख्यक हो, इस तरह से हमें बहिष्कार किया जाता है। तो कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या अल्पसंख्यक या कम संख्या कम होने की वजह से आप लोगों को नकार दिया जाता है? जय श्री महाकाल। तो 3 लाख से अधिक वोटर है, आपके मुद्दे क्या हैं? अब हमको मुद्दे कि हम लोग जो अच्छा सरकार काम करेगा, हमारे किन्नर समाज के लिए देखेगा, भालेगा, हम उसके चुनेंगे। अच्छा जी, तो
आप बताइए किस तरह के मुद्दे हैं किन्नर समाज के, कुछ अलग मुद्दे होते हैं दूसरे जेंडर को लेकर के? जय श्री महाकाल। जैसे कि हमारे बहुत से मुद्दे हैं फिलहाल, वैसे हमारी मौजूदा सरकार ने हमारी बहुत मदद की है, बहुत सहयोग किया है हमारे लिए, लेकिन अभी जेंडर का नाम दे दिया गया, बाकी फिलहाल उसके अलावा और कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी हम कल्याणकारी योजनाओं में हिस्सा नहीं, कोई योजना नहीं है जी जी। तो ऐसी तो हम चाहते हैं कि मतलब और हमारी सरकार हम लोगों के लिए काम करे और राजनीति में हम लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, राजनीतिक दलों में हम लोगों की क्या बोलते हैं मतलब हम लोगों को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, भागीदारी हम लोगों की होनी चाहिए जी। कुछ और लोग बात करते हैं, ये बताइए बार बार यही बात उठ के आती है, क्या आप लोगों की संख्या कम है इस वजह से पार्टियां दरकिनार करती हैं? भाई हम यही कहना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर को भी सीट आरक्षित होना चाहिए, ट्रांसजेंडर भी की सीट आरक्षित हो और ट्रांसजेंडर भागीदारी, क्योंकि हम लोग जैसा अच्छे नेता कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा कोई परिवार नहीं है, परिवार जो भी है तो ये हमारा समाज है, हमारा राष्ट्र है, और हम लोग जो भी कार्य करेंगे समाज के लिए करेंगे और राष्ट्र के लिए करेंगे, तो इससे अच्छा नेता कोई नहीं बन सकता है। तो इसीलिए हम कहती हूँ कि ट्रांसजेंडर को भी मौका मिले और ट्रांसजेंडर को भी ट्रांसजेंडर का भी सीट आरक्षित किया जाए जी। जय श्री राम। जब तक वो लोग अपना दरवाजा बंद रखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, जब तक वो लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कब तक निर्दलीय लड़ेंगे? कब तक निर्दलीय लड़ेंगे? तो हम लोग चाहते हैं कि बड़ी पार्टी हम लोग के लिए दरवाजा खोले और किन्नर समाज उसमें भागीदारी ले जी। आपसे जानना चाहेंगे कभी किन्नर समाज ने सोचा नहीं कि कोई हम भी राजनीतिक दल बनाते हैं? किन्नर समाज ने तो कभी हम लोग ने जोड़ के रहना सीखा, सबके साथ जोड़ के रहना सीखा है, हम लोग ने कभी ये बनाना नहीं सोचा कि हम लोग अपना ये बनाए, हम लोग ने जोड़ के बनाना सीखा है, चाहे कोई भी पार्टी से जुड़े हम लोग जुड़ के रहना चाहते, बड़ी पार्टी चाहे हमारी बीजेपी हो या मौजूदा सरकार है जो काफी हमें सपोर्ट भी की है, तो हम सबसे जुड़ के रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर जुड़ के रहेंगे आज हम अशिक्षित हैं, आज हमारे अगर हमें मौका दिया गया है तो जो हमारे ट्रांसजेंडर में शिक्षित हैं वो जज बने हैं, वकील बने हैं, IPS बने, अगर हम शिक्षित होते तो हम भी आज सदन में जाके बैठते थे। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे में शिक्षित हैं, जो हमारे में जागरूक हैं, वो उनको सदन में जाने का मौका मिलना चाहिए जी। तो ट्रांसजेंडर समाज का कहना है कि वो अगर चाहें तो राजनीतिक दल बना सकते हैं, लेकिन उनकी जो मनोवृत्ति है वो सबको साथ लेके चलने की है, और आखिर में बस वो इतना चाहते हैं कि राजनीति में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए, सभी सियासी दलों को कम से कम उनके विषय में भी सोचना चाहिए ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व सदन में हो सके। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।